नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। कुतुब मीनार परिसर में पूजा के अधिकारों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टली। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की संपत्तियों की जांच की मांग के लिए मुंबई हाईकोर्ट में याचिका हुई दर्ज। पीएम मोदी ने किया डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन, कहा सीमा पर दुस्साहस का देंगे करारा जवाब। कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे मधुसूदन मिस्त्री, थोड़ी देर में शुरू होगी अध्यक्ष चुनाव की मतगणना। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव, वोटों की गिनती होगी आज। बद्रीनाथ पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पीएम के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा। जम्मू कश्मीर के शोमियों में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, एक हाइब्रिड आतंकी मारा गया। हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों को लेकर चल रही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। दुनिया के लिए आतंकवाद, ड्रग्स, भ्रष्टाचार बड़े खतरे, 90वें इंटरपोल महासभा में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय हथियारों की बड़ी मांग, ब्रह्मोस से पूरा हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना। और दिल्ली में जल्द ही हो सकता है एमसीडी चुनाव, वार्ड परिसीमन का काम पूरा करे केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन।